हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं कैलाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं ट्वेल्थ क्लास के बाद। अगर आपने ट्वेल्थ क्लास को पास आउट किया है या पास आउट करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, तो आपके लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं वो सभी ए टू जेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसलिए ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पहली बार हमारे चैनल को विजिट किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकन दिखे उसे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से जो हमारी दूसरी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचते रहेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल, करियर से रिलेटेड और जॉब ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। अगर आप ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट जॉब्स करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि ट्वेल्थ के बाद आप डायरेक्ट क्लरिकल लेवल की कुछ जॉब्स कर सकते हैं। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ट्वेल्थ के बाद जिन्हें आप कर सकते हैं, इस बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं साइकोलॉजी में, ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं साइकोलॉजी में, उसके बाद आप पीएचडी करते हैं यानी कि साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को आप लास्ट तक लेकर चलते हैं, तो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं फिर मास्टर्स करते हैं, सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री लेते हैं, तो ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, बहुत सी वैकेंसीज निकलती रहती हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे चाइल्ड सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है या विमेन वेलफेयर ऑफिसर, इन पदों के लिए सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में जिन्होंने मास्टर डिग्री की होती है उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अपनी मास्टर डिग्री तक या उससे भी आगे लेकर चलते हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है वो है करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए आपको लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ट्वेल्थ के बाद बीजेएमसी यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये 3 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है, ये आपको करना है। इसके बाद आप जर्नलिज्म के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और ये एक बहुत ही वाइड कोर्स, वाइड फील्ड है, बहुत ही फैला हुआ फील्ड है। जैसे कि इसमें जर्नलिज्म में आपका आ जाता है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, बहुत ही विस्तार लिया हुआ ये फील्ड है। इसमें करियर की बहुत ही अच्छी आपके लिए संभावनाएं हो सकती हैं। सर्विसेज, ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो सिविल सर्विसेज में किसी भी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं वो अपेयर हो सकते हैं और एज ए सिविल सर्विस ऑफिसर अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं या जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट ये होता है कि इस परीक्षा में, जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, उसमें जो अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उन्हीं सब्जेक्ट्स के होते हैं जो आर्ट साइड के स्टूडेंट अपने एकेडमिक में पढ़ते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी। इसलिए ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए सिविल सर्विसेज एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ट्वेल्थ के बाद पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आप आईएएस का जो परीक्षा होती है उसमें अपीयर हो सकते हैं। ये 3 लेवल की परीक्षा होती है, 3 चरण इसके परीक्षा के होते हैं, प्रारंभिक, फिर होती है मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। अगर आप तीनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या फर्स्ट क्लास सिविल सर्विस ऑफिसर आप बन सकते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही सूटेबल होता है,
वो है करियर इन लॉ। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये फील्ड बहुत ही सुटेबल रहेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में भी वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आप पढ़ते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और जो लॉ है लॉ में भी आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए ये फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आप लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12th के बाद आपको CLAT क्लैट एग्ज़ाम में अपेयर होना होगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपको 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जिसमें आपको BA+ LLB ये दोनों डिग्रियां प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके बाद आप एज ए लॉयर अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहें तो लॉ करने के बाद कॉरपोरेट वर्ल्ड से भी जुड़ सकते हैं, और अगर अपनी निजी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आजकल ऐसी बहुत सी कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो कॉलेज कॉलेज में जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें डायरेक्ट हायर करती हैं और एक बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करती हैं। लॉ में भी बहुत से स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, सिविल लॉयर बन सकते हैं, कॉरपोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप पेटेंट लॉयर बन सकते हैं, ट्रेडमार्क लॉयर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन की, वो है एकेडमिक्स या एजुकेशन। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले चाइना का आता है, फिर US का, और नंबर थर्ड पे इंडिया का आता है। और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स उन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो एकेडमिक्स फील्ड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को लास्ट तक पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर PhD लेवल तक, तो आप पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप BEd कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, अपना 12th के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन के बाद BEd कीजिए और आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। या फिर आपको प्रोफेसर बनना है किसी डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो आपको ग्रेजुएशन करना होगा, फिर मास्टर्स करना है, फिर आपको PhD या फिर NET एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। हाँ, अगर आप 12th के डायरेक्ट बाद टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ NTT का कोर्स कर सकते हैं, यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। इसे करने के बाद आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन के बारे में ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए, और वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स। कई लोगों को इस बारे में जानकारी होती नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटी जो आप स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसे आप बजाना जानते हो, जैसे गिटार बजाना जानते हो। ये सारी एक्टिविटी परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत ही आती हैं। तो अगर आप में भी कोई ऐसी हॉबी है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, चाहे एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, तो और आप उस अपनी हॉबी को करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसे बहुत से कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस होते हैं जो आप 12th क्लास के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपकी स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, और आपके लिए अपनी हॉबी को करियर बनाना और भी आसान हो जाएगा। वैसे ये फील्ड उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा हो सकता है जिनमें एक पैशन है, जिनमें अपने बचपन से ही कोई ऐसी एक्टिविटी है, हॉबी है, जिसे वो बार बार करते हैं, जिसे वो करना चाहते हैं और जिसे वो करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शन की, वो है इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड में। इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, जिन्हें करने पर आप एज ए इवेंट मैनेजर अपना करियर बना सकते हैं। इवेंट मैनेजर बेसिकली इवेंट्स को या किसी फंक्शन को मैनेज करते हैं, जैसे शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट।
आप या तो किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं एज ए इवेंट मैनेजर, या फिर आप इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस भी कर सकते हैं इवेंट मैनेजर मैनेजर की तरह से। ये एक बहुत ही अच्छा नया और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड रहने वाली है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 12th पास कैंडिडेट्स जो जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम के साथ अपना 12th पास आउट किया है, वो 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 साल का मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। अगर आप BBA के बाद MBA करते हैं किसी अच्छे कॉलेज से तो आपका जो सैलरी पैकेज है वो मंथली 1 लाख रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन ये बात डिपेंड करती है कि आप MBA कौन से कॉलेज से करते हैं। जो इंडिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं MBA के लिए, उनमें IIM का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आप IIM से MBA करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज के साथ अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, 12th के डायरेक्ट बाद आप कर सकते हैं BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA के बाद आप कर सकते हैं MCA अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में अपना करियर बनाना है, एज ए सॉफ्टवेयर डिजाइनर के फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो आप 12th के बाद BCA कीजिए, फिर MCA कीजिए और आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना करियर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की। अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं BHM यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, या फिर आप कर सकते हैं BSc इन होटल मैनेजमेंट। जो BHM है वो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है और BSc 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इन कोर्सेज के बाद आप होटल मैनेजमेंट के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में फ्रेंड्स सिर्फ यही नहीं है कि आपको खाना बनाना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट में भी ऐसे बहुत सी पोस्ट होती हैं जहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर, फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, अकाउंटिंग। इस तरह की बहुत सी पोस्ट होती हैं जहां पर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद जॉब कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैशन डिजाइनिंग की। 12th पास कैंडिडेट्स जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं यानी जिन्होंने 12th को आर्ट्स स्ट्रीम के साथ पास आउट किया है, वे फैशन डिजाइनिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम हैं जिन्हें करने के बाद एज ए फैशन डिजाइनर अपना करियर बनाया जा सकता है। हम बात करते हैं एक और नए सेक्टर की, वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। अगर आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं और ट्रैवल और टूरिज्म के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड के बारे में, यह है केबिन क्रू और एयर हॉस्टेस। बहुत कम लोग जानते हैं कि केबिन क्रू क्या होता है, किसे बोलते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक फ्लाइट हो या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो, उन सभी में केबिन क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है जो फ्लाइट्स में फ्लाइट्स की अरेंजमेंट को देखते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं। जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनकी कुछ परेशानी होती है तो वो केबिन क्रू मेंबर से कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी तरह से एयर हॉस्टेस भी होते हैं जो हर एक फ्लाइट में मौजूद रहते हैं। तो अगर आप केबिन क्रू या एयर हॉस्टेस बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद डायरेक्ट बन सकते हैं। कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें करने के बाद आप केबिन क्रू और एयर हॉस्टेस बन सकते हैं। अगर आपकी पोस्टिंग किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में होती है तो आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ दुनिया घूमने का मौका भी मिलता है। इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं 12th पास कैंडिडेट्स के लिए फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन की। अगर आप फाइनेंशियल के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं CS यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, और आप किसी भी कंपनी में एज ए सेक्रेटरी अपना करियर बना सकते हैं। 12th के बाद आप CA भी कर सकते हैं और CFP यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज फाइनेंस के फील्ड से रिलेटेड हैं, इनमें भी करियर की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सभी फील्ड्स में तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। एक करियर ऑप्शन एनिमेशन का भी हो सकता है।
आजकल आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मूवीज़ में और इंटरनेट पर भी एनिमेटेड कंटेंट का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो भी एनिमेटेड कंटेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आजकल वीडियोज़ में और दूसरे प्रोग्रामिंग में, एडवर्टीजमेंट में। इसलिए अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप 12th के डायरेक्ट बाद एनिमेशन से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर की। 12th के बाद डिफेंस सेक्टर में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, उनके लिए कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उन फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और फिजिकली आप बिल्कुल फिट हैं तो डिफेंस के सेक्टर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी जॉब्स के बारे में आपको बताने की कोशिश की है जो 12th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उन सभी कोर्सेज को बताने की कोशिश की है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शंस आपको मिल सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मन में कोई भी कन्फ्यूजन है 12th के बाद तो आपको डिसीजन लेने में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और फ्रेंड्स, आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा क्लियर करने की। और फ्रेंड्स, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटे का निशान आपको दिखे आप उसे भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे दूसरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।